मेरा नाम सैयद उमर, उमर टेक्निकल सर्विस से। आप आज का वीडियो देख सकते हैं कि इंजन का कूलिंग सिस्टम और कोमेंसो हाइड्रोलिक ऑयल का कूलिंग सिस्टम आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंजन का थर्मोस्टैट वाल्व है। थर्मोस्टैट वाल्व बोले तो 82 डिग्री में सेंटीग्रेड में ओपन होता, वो हीट होने के बाद जब तक ओपन रहता। नॉर्मल वाटर सप्लाई होता कूलेंट। हीट होने के बाद ओपन होता, ओपन होने के बाद जब रेडिएटर में दोनों टैंक के अंदर बीच हवा में एयर के जरिए से वो कूल होके साइकिलिंग होता रहता। आप देख सकते हैं वीडियो में फैन के जरिए से कूल होता है, रेडिएटर के पाइप के जरिए से ऊपर का टैंक से नीचे के टैंक के अंदर, ऊपर के टैंक में गर्म पानी जा रहा कूलेंट, नीचे के टैंक में हवा ठंडा होके एयर से नीचे के टैंक से कूल होके साइकिलिंग हो रहा। इसी प्रकार कूलिंग सिस्टम होता। आप देख सकते हैं थर्मोस्टैट वाल्व फंक्शन। कोमेंसो हाइड्रोलिक एक्सक्वेटर का हाइड्रोलिक ऑयल कूलिंग सिस्टम। एनिमेशन वीडियो में मैं समझा रहा हूँ, आप ये वीडियो आखिरी तक देखो। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। कोमेंसो पीसी 200 का वो कूलिंग सिस्टम, जब कूलर जाम होता है रेडिएटर और कूलर, बाहर का हवा इंजन के फैन एंगल से, फैन के जरिए से अंदर कैसे खींचना बोले तो, एयर लेना बोले तो बहुत मुश्किल होता। इसलिए कोई प्रकार का एयर या प्रेशर के साथ वाटर भी अभी वीडियो में देख सकते हैं। मैं वॉश कर रहा हूँ, पूरा क्लीन करने से पूरा होल क्लीन हो जाएगा, उसके साथ साथ एयर भी फ्री होने, बाहर का हवा अंदर आराम से जाएगा। हाइड्रोलिक ऑयल कूलर। हाइड्रोलिक में किसी जगह पे स्लिप होने के कारण, या सिलेंडर हो या सिस्टम में किधर भी हो, स्लिप होने से ऑयल सील या कुछ स्लिप होने से टेम्परेचर रेज हो जाएगा।
आप देख सकते हैं। कूलर के पास एक वाल रहता, उसको वन वे वाल चेक वाल बोलते हैं। उसमें ऊपर का टैंक से नीचे के टैंक थोड़े देर के लिए रुकाएगा, वो कूलिंग हवा के जरिए से जाके हीट को कंट्रोल करेगा। ऐसा डिजाइन किया गया है ऑयल कूलर हाइड्रोलिक का। पाइप के साथ साथ हवा कूल करके ऑयल को ठंडा बनाता है। ऐसा पूरा सिस्टम हाइड्रोलिक टैंक पंप, पंप से कूलर, कूलर से हाइड्रोलिक टैंक साइकिलिंग होता रहता। मेरा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।